गुजरात के वडोदरा में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, आज वडोदरा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और अधिकारियों के साथ बैठक की व कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आज वडोदरा शहर में गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी। सबसे पहले वडोदरा के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वडोदरा के लिए विश्वामित्री रिवर रिवाइवल एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खास मांग रखी गई। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही सेकंड में वो प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक अप्रूवल दिया है। 1200 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पे तैयारियां करके सरकार में वो प्रोजेक्ट रख के उसको तात्कालिक ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द चालू करके इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर एवं सभी विभाग के लोग इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द सरकार में ये प्रोजेक्ट को भेजेंगे। साथ में मुख्यमंत्री जी ने सफाई, स्वास्थ्य, रोड एवं बिजली, ये तात्कालिक ये सभी कामों के लिए लोगों को लगाए हैं। बाहर से जो टीम भेजी गई थी उसमें भी कई और टीम भी आज रात को वडोदरा शहर के लिए भेजी गई। करीबन 3500 से 4000 लोग कुल मिलाकर वडोदरा शहर एवं बाहर से आए हुए सफाई कर्मचारी साथ में मिलकर आज रात को जहां पे भी पानी आज शाम तक हट गया है, पानी निकल चुका है, वो सभी क्षेत्र को साफ किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर की जाएगी, सभी का जीवन सामान्य रूप से जी पाए ऐसी व्यवस्थाएं तात्कालिक वहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी। खास तौर पे कैस्ट्रोल की व्यवस्था आज से ही लोगों को दिए जा रहे हैं, उसमें और जल्द कैसे काम किया जाए उसके लिए भी व्यवस्थाएं खड़ी की गई है। उसी के साथ जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पे सरकार पैकेज नकदी कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया। ये सब एकदम जनरल इश्यूज है। कभी भी इस प्रकार की तकलीफ आती है तो सरकार सर्वे करके इस प्रकार के पैकेज ऑलरेडी देती है, जिसमें मांग की कोई ज़रूरत ही नहीं। वडोदरा ये हमारा शहर है, सभी लोग हमारे हैं, हमारा परिवार है, उनके दुख में किसी के मांग की क्या ज़रूरत है। हर फ्लड में या हर ऐसी कोई भी जब तकलीफ आती है तो वो सर्वे के बाद वो डिक्लेयर ही होता है, तो वो भी इसमें भी सर्वे का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। सर्वे के बाद जब रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट के आधार पर उसको डिक्लेयर किया जाएगा। देखिए, मैं इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पे लोगों के साथ लोगों को लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे इस प्रकार की राजनीति कर रहा हूँ। मुझे मेरा काम है और मेरा काम यह है कि जल्द से जल्द वडोदरा साफ हो जाए, जल्द से जल्द बिजली रिस्टोर हो जाए, जल्द से जल्द जो रोड टूटे हैं, जहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, वो सब रोड वापस रिस्टोर हो जाए। ये मेरा काम है और मैं लोगों को मिलने भी गया हूँ, लोगों को सुना भी है। मैं मकानों में भी गया हूँ और कच्चे मकानों में भी गया हूँ और रोड पे भी घूमा हूँ, सबको सुना है, सबकी बातें मैंने सुनी है। चाहे हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहने जोड़ा रहो S9 न्यूज साथ।